रिश्ता नंबर 3 देवराज कृषा और नियति अभिमन्यु की बढ़ती चाहते। रिश्ते में प्यार का रंग तो तेरे बिना जिया जाए ना के देवराज और कृषा, और अगर तुम ना होते के नियति अभिमन्यु पर भी चढ़ने लगा है, इसीलिए जश्न तो बनता है। ये जी रिश्ते अवार्ड्स हैं और हमारा फर्स्ट जी रिश्ते अवार्ड्स है जी के परिवार के साथ, और उनके साथ मिलके उनके साथ जुड़ के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही, जैसे आपने कहा, कलरफुल है, बहुत ही कलरफुल था और सबने डिफरेंट डिफरेंट, एक हमारा एक थीम था ऑरेंज कलर का, आई एम नॉट वेयरिंग दैट राइट नाउ, तो मेरा क्रवाट है जो ऑरेंज है, सो द होल थीम वॉज ऑरेंज। सब एकदम बहुत सुंदर लग रहे थे वहाँ पे स्टेज पे, और हमने एक एंथम पे परफॉर्म किया जो कि बहुत ही अच्छा था, स्वीट था। कलरफुल कपड़े नहीं है, वाइब भी बहुत कलरफुल थी, क्योंकि यूजुअली हम लोग सब लोग शूट कर रहे होते हैं वन डे, यू नो, जब सब सारे आर्टिस्ट मिलते हैं और हम लोग थोड़ा आउट ऑफ आर बिजी स्केड्यूल्स, एक दिन ऐसा मिलता है जहाँ पे वी एंजॉय, वी वाइब अलोंग सारे अदर एक्टर्स के साथ, सो आई थिंक वो दिन था आज। एंड सबसे बेस्ट चीज़ थी कि पूरे जब सब जब सारे कास्ट मेंबर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट शोज के, वो आए थे और उनके साथ घुल मिल के, उनके साथ इंटरेक्शन करके उन्हें जान के बहुत अच्छा लगा, और I think it was a very very fun and a thrilling experience. Of course, I think एक कुछ specific event नहीं है, एक ही event के बहुत सारे different parts हैं, और ये first हम पहले पड़ाव में आए हैं जहाँ पर हमें वो anthem और वो promo perform कर रहे हैं, और इसके बाद और भी बहुत सारे sequences आएंगे, और हम बहुत excited हैं because हमारे dance performances हैं, बहुत कुछ है, game shows हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं हम, और कपड़ों के अलावा ये सब कुछ करने का भी मौका मिलेगा, बिकॉज हम जिस तरह का शो कर रहे हैं वो बहुत ही एक इंटेंस लव स्टोरी है, एक थ्रिल एलिमेंट है उसके अंदर, तो उसके बावजूद अगर ये सब कुछ और यू नो ऐसे फन फील्ड एलिमेंट्स करने का मौका मिले तो बहुत अच्छा लगता है, यू नो, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। आप थोड़ा सा लाइट फील करते हो, ब्राइट फील करते हो और मज़ा करते हो। ये तो ये सवाल आपको मुझे नहीं, ऑडियंस से पूछना चाहिए, क्योंकि मैं क्योंकि जैसे हम लोग सेट पे कितना भी बिजी क्यों ना हो, खाना जैसे अभी भी हमें लंच के लिए भगाया जा रहा था कि प्लीज़ लंच कर लीजिए, प्लीज़ लंच कर लीजिए, आगे आपका स्केड्यूल है, हम लोग से नहीं, पहले हम एक रील बनाएंगे, एक डांस करेंगे, फिर जाएंगे लंच करने, सो दिस इज हाउ वी आर, बिल्कुल नहीं, मतलब खाना खा लेंगे, सफाई करने नहीं, पहले रील बनाएंगे, आप हमें 10 मिनट के लिए उधार दे दो अपना ये स्टेज, और हम जब रील अपनी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप जो कितना भी थके हो डांस के लिए आप बोलो तो एनर्जी आई जाती है। देखो हमारी केमिस्ट्री तो डांस के आप कहीं पे भी पूछ लो बहुत अच्छी है, सो बहुत इम्प्रॉम्प्टू, और एंथम भी था तो वो कह रहे थे हो गया हम कल से आपको भेज देंगे वीडियो, तो ऐसे करने के, सो हमने रिहर्सल नहीं करी बाकी सारे एक्टर्स की, नो आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबॉडी, नॉट डिमीनिंग हमारी, अब जो है वो है, अब क्या कर सकते हैं, मतलब हमें रिहर्सल का टाइम नहीं हो रहा, हम काम कर रहे थे ऐसा कुछ नहीं, बट हम डेफिनेटली रिहर्सल्स के लिए आते, बट ये था कि हमने आज ही रिहर्सल्स करी, और क्योंकि हम लोग को इतना पसंद है डांस करना तो हम लोग बड़े ऐसे एंथुसियाज्म के साथ हमेशा डांस करते हैं। अगर सेट पे भी हमारे कभी भी म्यूजिक बज रहा होता है ना तो कोई भी इंटेंसिटी, कोई भी कॉर्नर में हो हम दोनों, अगर अगर कृष्णा के आंसू भी गिर रहे होते हैं ना उस इंटेंसिटी, तो ऐसे एकदम से और ऐसे तो हम हाँ, मैंने एक रील भी बनाई बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लग रही हैं वो, इनका मैंने इस लुक में कभी नहीं देखा है, इनके नॉर्मली जब स्ट्रेट हेयर होते हैं हमारे जो शो में, जो कृषा का लुक है वो स्ट्रेट हेयर के साथ है, तो उसमें तो सुंदर लगती हैं, बट इसमें बहुत ही ज़्यादा, मैंने इन्हें आते ही बोल दिया था जैसे ये स्टेज के पास आई, मैंने कहा वाह यार यू लुकिंग सो प्रिटी, सो डैम ब्यूटीफुल, ये तुम अपना कृषा में भी लुक डाल दिया करो ना, क्या पता देवराज को और ज़्यादा प्यार हो जाए आपसे, तो अंजलि का ही दिन बनाना है ना, कृषा का दिन खुद ही बन जाएगा। इनकी तो मैं क्या तारीफ करूँ, ये तो पूरी नहीं, आई वाज गेटिंग देयर, यू नो, लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस ना, तो इनकी तो मतलब सब लोग की तारीफ करते हैं, सच अ गुड लुकिंग मैन, लुक एट हिज आईज, इतनी प्यारी आंखें दी है भगवान ने,
देखो कितने शर्मा रहे हैं, और शर्माने लग के तो और भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये शो में तो स्माइल करते हैं नहीं। ये देखो देखो ब्लश रेड हो गया टोन यार, मेरे को ब्लश की जरूरत पड़ी। ओह हाउ क्यूट। सो देखो जो जो तुम्हारे फैंस को चाहिए था कि तुम शो में हंसते नहीं हो, आज मैंने इतना हंसा दिया है। बट नो हिज, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, सूरत से नहीं ये सीरत से भी अच्छे हैं। सो दैट ए ये तुम्हारा डायलॉग था ना, तो इन लोगों को खेल लिया मुझे लगता है। कली बोला है। देखिए आंखें काली और ब्राउन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंखें कुछ बयां करने वाली होनी चाहिए, अच्छी आंखें होनी चाहिए जो आंखें बोलती हों, आंखें स्टिल ना रहती हों। एज एन एक्टर भी और एज अ पर्सन भी, ऑफ कोर्स तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं, तुम्हारी आंखें बोलती रहती हैं सर। ये चुप भी करती है तो इनकी आंखें बोलने, क्योंकि ये खुद इतना ज्यादा बोलती हैं कि इनकी पता क्या होता है सेट पे, कभी मुझे किसी चीज पे इरिटेशन हुआ है और मैं उस इंसान को नहीं दिखा सकती, तो मैं कितनी भी स्माइल करने की कोशिश कर लूं, मेरे शक्ल पे साफ दिखता है कि मैं इतनी इरिटेटेड हूं अभी, तो ये भी गलत बात है। तो मैं जैसे बोल रहा था कि ये बहुत बोलती रहती हैं, जैसे मुझे भी नहीं बोलने देती हैं, तो जब ये चुप करती हैं तब इनकी आंखें बोलने लग जाती हैं, कुछ ना कुछ कह रही होती हैं, पता नहीं कैसे बयां करती हैं, कुछ मुझे नहीं आता है वो सब, बट बहुत बोलती हैं। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कलर मेक्स अ डिफरेंस, कलर की कोई कोई नहीं, कलर की तो प्रिटी है ना, क्या अग्री बताओ, कलर मेक्स अ डिफरेंस, नो कलर डजंट मेक अ डिफरेंस, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक आंखें विद टाइम विद एक्सपीरियंस आपको आ जाता है आंखों से कैसे आपको बयां करनी है चीज़ें, इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग आल्सो आई वुड से, बट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आप मेरी आंखें बोल रहे हैं, आप अमित जी को देखिए, अमिताभ बच्चन जी, उनकी आंखें कितना ज़्यादा बोलती हैं, उनके मोस्टली जब उनके स्टार्टिंग के जितने भी आपने फिल्में देखी हों उसमें वो उनके भी, उनको भी बोला जाता था मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, एंग्री यंग मैन, तो उनकी आंखें ही बोलती थी, उनके चलो डायलॉग्स तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं, बट उनकी आंखें कितना, एक उनकी एक फिल्म है जिसमें वो एक पूरे, नहीं डबल रोल नहीं किया था, उसमें वो एक बड़े से एक ग्रुप के सामने, वो पॉलिटिशियन प्ले कर रहे थे, उसके सामने वो उनका 2.5 मिनट का एक सीन है जिसमें वो सिर्फ चुप हैं और वो सिर्फ 2.5 मिनट तक सबको देख रहे हैं और सिर्फ कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं। और एज एन एक्टर आई वुड से, मतलब 2.5 मिनट का जो सीन होता है ना, उसमें सिर्फ कुछ ना बोलना और सिर्फ इमोट करना इज वेरी टफ। तो आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द कलर, इट्स अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द आईज। तो बहुत सारे आते हैं, नहीं एक्चुअली नहीं, बट टचवुड मेरे को प्यार ज़्यादा मिलता है, हेट्रेड भी मिलता है कभी कभी, बट ये मुझे याद नहीं है, मैं ना मैं वो सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। अपना एक नज़रिया तो डेफिनेटली होता है, कुछ बोलते हैं सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, but that doesn't mean ke wo jo bol rahe hain usko main ek batati hu, bahut funny tha, matlab irritated nahi, main wo hansi thi usse bahut, to maine ek photo dali thi jisme sun rays mere muh pe pad rahi thi aur maine caption dala tha suraj ki baahon mein ab to hai jo gana hai, to usme sare suraj ke mujhe messages aaye the niche, to usme hate hai, to hate nahi bhai, main bolu ye funny comment tha, to to aur ek friend ka comment aaya tha jisme usne niche likha tha ki की सूरज लग रही है, आप सन दरी लग रही ये लंच नहीं किया तुमने कि तेरा में सूप ज्यादा खा लिया नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है, बहुत सारे मुझे तो बहुत ये मिल चुका है अभी, आज के लिए बहुत है, अब मैं ज्यादा ब्लश नहीं करना चाहता हूँ। मेकअप पर आउट कॉम्प्लीमेंट, ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्स ऑब्वियसली काफ़ी लोग बहुत, जो उनका प्यार है, उनका जो प्रेम है मेरे प्रति, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देते हैं मोस्टली मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी आंखों के ऊपर मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, एंड एज यू सेड मेरे जो मेरा ब्लश है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं मुझे, एंड आई थिंक ये दोनों चीज़ें हैं जो कि शर्मा गया लड़का। जी हाँ, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, हमारे शो को इतना प्यार दे रहे हैं, हमें शो को और ज़्यादा प्यार देते रहिए, उसे देखते रहिए, और अपना बेहतरीन से अपना न्यू ईयर, अपना क्रिसमस मनाइए, हिलाते रहिए। साल बहुत ज़्यादा ग्रिम गया था, तो ये वाला साल अभी भी एक न्यूज़ आई है, वो वाली न्यूज़ को मद्देनजर रखते हुए उससे हटिए, अपने आप को सेफ रखिए, एंड जस्ट बी हेल्दी सेफ एंड ऑलवेज बी हेल्दी। या डेफिनेटली थैंक यू सो मच हमें सच में इतना प्यार देने के लिए, एंड वी जस्ट वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। देखिए ये अवार्ड जितना बड़ा है ना, उतना ही बड़ा मेरा इनके साथ
रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, आपको भी पता है मैंने जी के साथ इससे पहले दो शोज़ किए हैं और दो बार मैं जी रिश्ते अवार्ड अटेंड कर चुका हूँ इनके, और ये मेरा तीसरी बार है और मैं बहुत ज़्यादा 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 एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक यही एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम कुटुंब का नाम लेते हैं हर जगह ना, वसुधैव कुटुंबकम इनके हर बार टैगलाइन होती है, कुटुंब जहाँ प्यार होता है। ये चैनल मेरे को लगता है हमारे इंडिया का सबसे पुराना चैनल है और इतने टाइम से एंटरटेन करता आ रहा है आप सभी को, और मेरा रिश्ता भी उतना ही पुराना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और जो भी हमारे साथ ये लास्ट दो साल में घटित हुआ, जैसा भी हुआ, उसके बाद एक इतनी सारी पॉजिटिविटी, इतने सारे अच्छे अच्छे शोज़ जो आ रहे हैं जी के ऊपर, तो हम सब चाहते हैं कि हम भी आपको वो प्यार जो आप हमें दे रहे हैं, हमारे शोज़ को दे रहे हैं, वो दें। तो इस आई थिंक जी रिश्ते अवार्ड बेसिकली अवार्ड कम है, आप जो हमें प्यार देते हैं उसकी एवज में जो हम आपको प्यार देने वाले होते हैं ना, उससे रिलेटेड ये अवार्ड है कि हम आपको थैंक यू बोलें कि आप हमें इतना प्यार देते हैं। तो ये अवार्ड के रूप में हम सब एक साथ मिल करके आपके सामने आते हैं। हाय, आई एम सिमरन कौर, आपकी प्यारी प्यारी नियति, आपके फेवरेट शो अगर तुम ना होते से, और आज हम हैं रिश्तों के त्यौहार जी रिश्ते अवार्ड्स के सेट पर, और बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ सिर्फ अगर तुम ना होते के कास्ट मेंबर्स नहीं है, बाकी सारे शो के कास्ट मेंबर्स हैं, सब एक्टर्स हैं पूरे जी के सारे शोज से, और सबसे मिलकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम उनसे पहली बार मिल रहे हैं। कुछ को तो पहले से ही जानते हैं और जिनको पहली बार मिल रहे हैं उनके एक्चुअली हम सारे शोज देख चुके हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, और इट्स लाइक अ फैमिली। तो ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इतना मज़ा कर रहे हैं सेट पर, तो और बिल्कुल ऐसे फैमिली वाला माहौल है, तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैंने ये लहंगा पहना हुआ है विद अ जैकेट, आई थिंक द कलर इज़ वेरी वाइब्रेंट और मुझे मेरी लुक बहुत अच्छी लगती है। आप बताएं आपको कैसी लग रही है। और आप देखना मत भूलिएगा अगर तुम ना होते, मंडे टू फ्राइडे रात 10:30 बजे सिर्फ और सिर्फ जी टीवी पर।